हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज वेल्थ वेलनेस एंड वाउ सेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं रेणु गुप्ता, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन के अंदर। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज के सेशन में मुझे ये मौका देने के लिए सुरेखा भार्गव मैम का, सिमी मैम का और मेरी ग्रेट अपलाइन निशा गुप्ता जी का। थैंक यू सो वेरी मच ऑल माय अपलाइंस। और दोस्तों, इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में अपनी स्टोरी को शेयर करना चाहूंगी, छोटा सा अपना टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम रेणु गुप्ता है। मोदी केयर के पहले एक टीचर हुआ करती थी, 8 से 9 घंटे की नौकरी किया करती थी दोस्तों, और उस नौकरी के बाद करीब 20,000 मुझे सैलरी मिलती थी। मैं खुश थी उसमें भी, लेकिन अपने बच्चों की टेक केयर करने की वजह से वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, एक लेडी जब पढ़ी लिखी होती है, क्वालिफाइड होती है, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद अगर वो केवल एक हाउसवाइफ का रोल प्ले करती है, अगर वो अपना वजूद तलाशने लगती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसके दिल से एक आवाज निकलती है, क्या तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी अपने दिल की इस आवाज को सुना, साथ मिला मोदी केयर का, साथ मिला मेरे सभी ग्रेट अप्लायंस का, साथ मिला मेरी टीम का, और साथ मिला एक सिस्टम का जिसे कहा जाता है मोदी केयर सिस्टम। और दोस्तों, उसी सिस्टम की बदौलत, उन्हीं अप्लायंस की बदौलत, उन्हीं टीम की बदौलत आज मैं मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर का टाइटल अचीव कर चुकी हूँ। और यही नहीं फ्रेंड्स, एक टीचर जो कि 20,000 की सैलरी कमाया करती थी, आज करीब 2 लाख रुपए महीने की इनकम को एंजॉय कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, और मोदी केयर से अगर और अचीवमेंट्स की बात की जाए तो 15 लाख की टॉप मॉडल वर्ना कार मैं यहाँ से अचीव कर चुकी हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल 3 BHK घर मैं अचीव कर चुकी हूँ, और यही नहीं फ्रेंड्स, मोदी केयर से फॉरेन ट्रिप्स भी मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो ये सब कुछ अगर कहीं से पॉसिबल हुआ दोस्तों, तो वो शायद मेरी प्रीवियस जॉब पे नहीं पॉसिबल था, जो कि मोदी केयर में हो पाया। और इन सब चीजों के पीछे अगर हाथ है तो दोस्तों, डेफिनेटली वो मोदी केयर सिस्टम का है, क्योंकि रेणु गुप्ता तो पहले भी वही थी जो कि आज है, बट सिस्टम अगर साथ में हो गया दोस्तों, तो सभी चीजें बहुत आसानी से पॉसिबल हो गई। दोस्तों बिल्कुल सही भी किसी ने कहा है कि अगर एक पतंग को डोर से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से एक कोयले को अगर अंगीठी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, और अगर एक बुलेट को पिस्टल से बाहर निकाल के दागा जाए तो क्या होगा। और यही नहीं फ्रेंड्स, अगर हम एक महंगे से महंगा मोबाइल ले ले, लेकिन उस मोबाइल से भी चार्जर को अलग कर दे, तो दोस्तों सोच कर देखिए इन सब चीजों का क्या होगा। बिल्कुल ये सब चीजें अपना अस्तित्व जो है वो खो देंगी। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों को सही तरीके से सक्सेसफुली रन करने के लिए इन सभी के साथ में एक सिस्टम है जो काम कर रहा था। और फ्रेंड्स, इन सब चीजों के साथ में नहीं, हमारे साथ भी, हमारे इस बिजनेस के अंदर भी एक सिस्टम है जिसका साथ पकड़कर, जिसको फॉलो कर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी शॉर्ट अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टम से बाहर निकल जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी सक्सेस पर या हमारे सफलता पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसलिए आज का टॉपिक भी यही है, बिल्ड मोदी केयर बिजनेस सक्सेसफुली विद सिस्टम। एंड फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से बताने के लिए जो गेस्ट स्पीकर हमारे बीच में आ रही है दोस्तों, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मोदी केयर सिस्टम को ना केवल फॉलो किया दोस्तों, बल्कि अनकंडीशनली फॉलो करके उस सिस्टम को अपनी पावर बनाया। और यही रीजन है सिस्टम की पावर के साथ में जब उनकी पावर ऐड हुई दोस्तों, तो आज वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी लेडीज के लिए एक मिसाल बन चुकी है, एक सफलता की पहचान बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगी आज की हमारी लीडर, आज की हमारी गेस्ट स्पीकर एंड यस मेरी ग्रेट 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 अपलाइन
Mrs. Nisha Harsh Gupta ji, the Global Black Diamond Director of Modi Care. So please put your hands together for Nisha Gupta ji. थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए इतनी शानदार तरीके से. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशा गुप्ता है और पिछले 5 सालों से मोदी केयर प्लेटफॉर्म के साथ में हूँ. मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ. अगर बात करूं पहले की, तो एक ब्यूटिशियन हुआ करती थी, घर में ही रह के अपना सैलून रन किया करती थी और बाहर अपना सैलून खोलने जा रही थी. लेकिन जैसे ही बाहर में अपनी शॉप खरीद के सैलून खोलने की तैयारी कर रही थी, मन घबराने लगा कि मैं लोगों को करवा चौथ पे तैयार करूंगी लेकिन अपने हाथों में मेहंदी भी नहीं लगेगी. लोगों को शादियों में तैयार करती रहूंगी, अपने भाई की भी शादी होगी तो 2 घंटा जाकर के आ जाऊंगी. और यही सोच के घबरा गई. सपने बहुत बड़े थे, करना कुछ बहुत बड़ा चाहती थी लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और बस जिंदगी को जी रही थी. और इसी बीच में, इसी उधेड़बुन में चल रही थी कि कहीं से लाख रुपए महीने का कमाया जाए. और मोदी केयर प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ के अंदर आया और मैं थैंकफुल होती हूँ ऑलवेज गॉड का, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता. और मोदी केयर प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया और भगवान ने मुझे इस तरह की बुद्धि दी कि ये प्लेटफॉर्म मुझे समझ में आया. घर पर आए थे खुद वीरू भैया, जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में वो हमेशा है. और उन्होंने मुझे बताया, पेस्ट साबुन यूज करती हो, चाय कॉफी पीती हो? मैंने कहा हाँ जी, ये कौन नहीं करता. इसे यूज करके खर्चा हुआ कि पैसा आया? मैंने कहा खर्चा हुआ है, आज से पैसा आए तो कैसा रहे. मैंने कहा अच्छा तो बहुत रहे लेकिन लगता नहीं है. जब उन्होंने सारा सिस्टम बताया, जब उन्होंने सुरेखा भार्गव मैम के बारे में बताया जो कि उस समय 70 लाख रुपए महीना कमाती थी, तो विश्वास हो गया कि एक लेडी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. अगर वो लेडी, उनको भगवान ने 2 आंखें, 2 हाथ, 1 मुंह और वही चीज जो दी है, जो हमें भी दी है, तो हम भी इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होकर के दिखा सकते हैं. और उसी दिन ठान लिया कि इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल होना है और इसी के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया. तो काफी सारे चैलेंजेज भी आए, लोगों ने, कईयों ने हंसी उड़ाई, कईयों ने मजाक बनाया, कईयों ने मना कर दिया कि हमें नहीं करना. लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म की ताकत को देख चुकी थी और मैं समझ चुकी थी कि हर इंसान हर कोई काम नहीं कर सकता. लेकिन ये भी पता था वो आज नहीं आ रहे तो कल मेरी सक्सेस को जरूर देख करके आएंगे. और मैं इस प्लेटफॉर्म पर चलती रही और मैंने यहाँ पर सफलता हासिल करनी स्टार्ट कर दी. पहले महीने का चेक 580 रुपए का आया था लेकिन वही चेक 1 साल और 2 महीने के अंदर 1,05,000 रुपए को क्रॉस कर गया था. 2 साल के अंदर मैंने यहां से 52 लाख की ऑडी A4 गाड़ी अचीव कर ली. 3 साल के अंदर मैंने 1 करोड़ का 3 BHK यहां से घर अचीव कर लिया. और इसी के साथ में यहां से 3 बार फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिए. और इसके साथ बात करूं तो 3.5 साल में 7% से स्टार्ट करके 3.5 साल के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड का लेबल ले लिया. फ्रेंड्स, ये जर्नी थी. लॉकडाउन से पहले चेक 4.5 लाख रुपए महीने का आता था, बट इस लॉकडाउन ने हमारे बिजनेस को, जहां सारे बिजनेस बंद हो गए, हमारे बिजनेस को और तेज रफ्तार पकड़ ली हमारे बिजनेस ने, क्योंकि ये बिजनेस की पावर इतनी तेज है कि FMCG प्रोडक्ट्स का ये बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कोई भी चीज बंद हो जाए. और इसी के तहत मेरा चेक 7.5 लाख रुपए महीने को क्रॉस कर चुका है. और अब ये बहुत जल्दी इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मैं इसके पिछले फाइनेंशियल ईयर के बीच में मैंने 70 लाख रुपए कमाए थे कोरोना वाले, और इस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपए कमाने जा रही हूँ. ये मेरा गोल है. मेरी टीम में सक्सेस की लाइन है, गाड़ियों की लाइन है और अभी तो सपने बहुत बड़े हैं, अभी तो बहुत कुछ करना है. अब बात करेंगे कि ये सफलता मिली कैसे, क्या करना है इसके लिए, करना क्या होगा, कौन से ऐसे शॉर्ट में हम उन पॉइंट्स को जाने जिन्हें फॉलो करके हम इस प्लेटफॉर्म पर, इस बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और सफलता ही नहीं बल्कि सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं. वही चीज आज मैं आपके सामने कुछ प्रेजेंट करने जा रही हूं. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके PDF के थ्रू आपको बताऊंगी कि आखिर करना क्या है हमें. तो बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग की मुझे इजाजत है और मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर कर लेती हूँ. मेरी स्क्रीन विजिबल है रेनू? यस, विजिबल है भाभी. बिल्कुल. तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने बारे में बताया. अब मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आप जब इस बिजनेस में एंट्री कर जाते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपको करना क्या होगा.
सबसे पहले फ्रेंड्स आपको अपने अंदर से बदलाव लाने होंगे, क्योंकि जो भी इनसाइड होता है, जो भी आपके अंदर होता है, वही बाहर प्रकट होता है। ये किस तरह से होता है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि एक बार एक मेला था और मेले के अंदर एक बैलून वाला था जो गैस के गुब्बारे जो हवा में उड़ते वो उड़ा रहा था, उड़ाता था एक गुब्बारा और उसके लोगों की भीड़, बच्चों की भीड़ हो जाती थी। जैसे ही वो गुब्बारा उड़ते हुए देखते थे तो बच्चे गुब्बारा लेने के लिए मचल उठते थे और इसी तरह उसकी आजीविका चलती थी। जब गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती थी तो एक गुब्बारा फिर से पकड़ता था और उसको हवा में छोड़ देता था और बच्चे गुब्बारे को लेने के लिए मचल उठते थे। हुआ क्या कि इसी बीच में एक छोटे से बच्चे ने देखा और वो जल्दी से गुब्बारे वाले के पास गया और गुब्बारे वाले की शर्ट गुब्बारे वाले की शर्ट पकड़ के कहने लगा कि अंकल क्या ये ब्लैक कलर का गुब्बारा भी उड़ेगा? तो उसने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये गुब्बारा अपने कलर से नहीं उड़ता, ये गुब्बारा इसलिए उड़ता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है इसीलिए गुब्बारा उड़ता है। फ्रेंड्स हर चीज, हर सफलता इसी पर डिपेंड करेगी कि आपके अंदर क्या चलता है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आपको विश्वास है कि ये बिजनेस बिल्ड होता है, अगर आपको विश्वास है कि टीम बनती है, अगर आपको विश्वास है कि यहाँ से लाखों के चेक आते हैं, तो डेफिनेटली जो आपके अंदर आपको दिखता है वही बाहर प्रकट होगा। तो सबसे पहले चेंज लेकर के आने हैं अपने अंदर, और अंदर चेंज किस तरह से आएंगे फ्रेंड्स ये मैं आपको बताना चाहूंगी आपके विचारों के द्वारा। हमें अपने विचारों को बदलना है। अगर आप ये सोचते हो कि कोई नहीं सुनेगा तो यकीन मानिए बाहर जब आप निकलेंगे आपकी कोई नहीं सुनेगा। अगर आपको लगता है कि लोग ज्वाइन नहीं होंगे, आपको लगता है मैं किसी को कन्वेंस नहीं कर सकती, आपको लगता है बेकार का बिजनेस है, आपको लगता है छोटा बिजनेस है, तो फ्रेंड्स आपके लिए सब कुछ सच हो जाएगा और बाहर में आपको वैसा ही नजर आने लगेगा। इसीलिए बदलना है तो सबसे पहले अपने अंदर को चेंज करना है। अंदर चेंज करने के लिए विचार कैसे लेकर के आने हैं कि यस, जैसे मैंने सोचा था कि सुरेखा भार्गव मैम एक साधारण सी लेडी होकर के कर सकती हैं, तो निशा गुप्ता आराम से इसे कर सकती है। इसी के साथ में आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। जो भी चीज आप चाहते हैं उसे अपनी आंखों से आपको देखना है। आपको अपनी आंखें बंद करके दिन में कई बार विजुअलाइज करना है जो चीज आप चाहते हैं, जो सफलता आप देखना चाहते हैं, अंतिम चीज जो आपको चाहिए, अपने गले में अगर मालाएं चाहिए, अपने गले में 100-100 किलो के हार चाहिए, तो आपको विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है और अपने आप को अफर्मेशंस देना है दिन भर। मैं सच बता रही हूँ, रियली में मैंने ये काम किया है। मैं सुबह उठने से लेके जैसे किसी से फोन पे बात की तो ठीक है, जैसे ही बंद हुई मैं विजेता हूं, मैं जीत रही हूं, मुझे लोग मिल रहे हैं, लोग बाढ़ की तरह मेरे बिजनेस में आ रहे हैं, लोग सारे ज्वाइन होते हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, बड़ी मीटिंग हो रही है, बड़ी टीम बन रही है, ये मैं अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। और जब ये करते हैं हम, तो डेफिनेटली जो हमारे अंदर चलता है वही बाहर नजर आता है। साइंस भी इसको अप्रूव कर चुका है फ्रेंड, साइंस भी। कैसे कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी भी पिक्चर को देखते हैं, तो सबसे पहले उस पिक्चर का रेटिना हमारे अंदर बनता है, हमारी आंखों में बनता है। हमारी आंखों के अंदर जिस चीज का रेटिना बनेगा वही चीज हमें बाहर नजर आएगी। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो चुका है कि जो भी हमारे अंदर चलेगा वही बाहर नजर आएगा। और इसके लिए कहा जाता है कि जैसा जैसी आपकी मनस्थिति होगी वैसी ही आपकी परिस्थिति होगी। हमने पहले भी ये चीजें सुनी है कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल उगेगा। जो अंदर धरती के अंदर गया वही बाहर प्रकट होगा। ये सारी चीजें फ्रेंड्स हमने पढ़ी हुई है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये सब चीजें अपने थॉट से, विचारों से जो भी आप दोगे वही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस में आए हैं तो बदलना क्या है, अपने अंदर को आपको चेंज करना है। चलिए आगे चलते हैं, अब करना क्या होगा। सब सेकेंड चीज आपको फ्रेंड्स एसोसिएशन बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। देखिए हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और हम जाते हैं अपने पिताजी के पास, दादाजी के पास या चाचा जी के पास या कोई और रिलेटिव्स। हम सोचते हैं इनको एक्सपीरियंस ही हमें बताएंगे कि बिजनेस कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पिताजी ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग को जाना ही नहीं, क्योंकि नया बिजनेस है, इंडिया में 25 साल पहले आया ये।
25 साल पहले कोई जानता ही नहीं था इसको कि ऐसा भी कोई बिजनेस हो सकता है। तो अगर मैं सबसे पहले अपने पिताजी से पूछती कि क्या मैं इस बिजनेस को करूं, तो कहते बेटा नौकरी कर ले या दुकान खोल ले, ये दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के, तीसरा कोई तरीका नहीं है दुनिया में पैसा कमाने का। लेकिन दोस्तों ट्रेंड चेंज होते हैं, पहले हम परचूनी की दुकान से सामान लाते थे, फिर हम मॉल से लाने लगे, अब हम अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवाने लगे। तो जमाना बदलता है, इसी तरह से बिजनेस के नए पैटर्न आते हैं और ये नेटवर्क मार्केटिंग इसी तरह से इस पैटर्न में है, जहां पर सबसे जल्दी हम इथिक से, रूल्स रेगुलेशन से, ईमानदारी से करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। एसोसिएशन कैसे काम, एक साधु बाबा का फोटो है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, और इसके अंदर क्या है कि कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप एक घंटा किसी साधु बाबा के पास बैठ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि बस मुझे पहाड़ों पे चले जाना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दुनिया में और कुछ नहीं है, बीवी बच्चे सब कुछ नहीं होते, सिर्फ मुझे पहाड़ों पर जाकर के तपस्या करनी चाहिए। आप एक घंटा उनके एसोसिएशन में रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा। इसी तरह से एक सिपाही के एसोसिएशन में, जो कि फौज में लड़ता है, उसके एसोसिएशन में रहेंगे एक घंटा तो मन में भाव आ जाएंगे कि यस दुश्मनों को मार गिरा देना चाहिए, देश के लिए मर मिटना चाहिए, देश की सेवा के लिए कुछ करना चाहिए, और लगेगा कि हमारा जीवन कुछ हम नहीं कर रहे हैं, हमें जाकर के देश के लिए लड़ना चाहिए, हमारी फीलिंग ऐसी होने लग जाती है। और इसी तरह से जब आप किसी पैसे वाले इंसान के पास बैठते हैं तो आपको लगने लगता है पैसा बहुत जरूरी है, पैसे से अच्छे अच्छे काम होते हैं, पैसे से लाइफ अच्छी होती है। तो एसोसिएशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी सक्सेस में। लेकिन हम करते क्या है, करना तो मोदी केयर को चाहते हैं और बैठते हैं पड़ोस वाली भाभी के साथ जो दिन भर सीरियल देखती है, जो दिन भर सास बहू के सीरियल देखती है। तो होता क्या है, हम भी मोदी केयर बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो हमें जिस तरह से, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, वो अपने शिष्य को समझा रहे थे कि बेटा संगति का असर हमेशा काम करता है। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे, बच्चों को बोलते हैं बेटा अच्छे बच्चों की संगति में रहना, तो उसी तरह से उन्होंने कहा वो समझ नहीं पा रहे थे जो भी शिष्य थे अच्छे से कि कैसे सर, कैसे गुरुजी संगति का असर अच्छा होता। तो गुरुजी ने कहा, वो गार्डन में चल रहे थे, उन्होंने एक फूलों से भरा हुआ, गुलाब के फूलों से भरा हुआ पौधा देखा, और जो खूब सारे गुलाब उसके ऊपर थे, उन्होंने कहा इस पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी उठा करके लेकर के आओ। और वो जो शिष्य थे कुछ मिट्टी लेकर के आए आश्रम के अंदर, और गुरुजी ने कहा कि बेटा इस मिट्टी को सूंघो। जब उस मिट्टी को सूंघा उन्होंने तो उसके अंदर बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये कैसे, मिट्टी में खुशबू कैसे आ रही है? तो उन्होंने कहा कि बेटा जब ये फूल टूट करके इस मिट्टी पर गिरते हैं तो अपनी खुशबू उसके अंदर बिखेर देते हैं, तो ये मिट्टी में भी इस तरह की खुशबू आने लगी। कहने का मतलब है कि जैसे लोगों के साथ हम वैसे रहते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं, इस बात का चाहे हमें एहसास हो या ना हो। इसीलिए कहा जाता है इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ऑलवेज सक्सेसफुल पीपल्स के टच में हमें रहना है, ऑलवेज मीटिंग एंड सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार के हमें टच में रहना है, क्योंकि वहां पर हम सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं, वहां पर हम इस तरह का माहौल देखते हैं, वहां हम इस बिजनेस का एसोसिएशन मिलता है। टच विद बुक्स एंड ऑडियो एंड वीडियोस, आपको बुक्स की संगति में, क्योंकि बुक क्या है, कोई भी राइटर जो बुक लिखता है बहुत महान व्यक्ति होता है, जो अपने क्षेत्र में अपने लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होता है, और वो एक बुक लिखता है लेकिन वो 100 लोगों की सक्सेस स्टोरी को मिलाकर के वो बुक को लिखता है। तो दोस्तों हमें वहां से जरूर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, सक्सेस के हम टच में रहते हैं, और सक्सेसफुल लोगों के ऑडियो और वीडियो जब भी हम सुनते हैं तो डेफिनेटली हमें उनका एसोसिएशन मिलता है। टच विद ग्रोइंग अपलाइन, ऑलवेज हमें अपने जो ग्रोइंग अपलाइन, जो खुद भी सिस्टम में रहते हैं, जो खुद भी अच्छी एसोसिएशन में रहते हैं, उनके हमें टच में रहना है। अगर हम ये टच में भी बरकरार उनके रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस करना आसान हो जाता है। और एक चीज और, टच में तो रहना ही है सक्सेसफुल लोगों के, लेकिन हमें ऑलवेज नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, एक बहुत बड़े स्पीकर ने बताया है कि अगर आपके माता पिता भी आपसे नेगेटिव बोलते हैं तो हाँ उनकी सेवा जरूर करनी है, लेकिन आपको ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाना है, उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि नेगेटिविटी कहते हैं ना कि जहर के समान,
नेगेटिविटी धीमा एक जहर है जो आपको बिल्कुल अंदर तक खत्म कर देता है। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको जो ये कहते हैं तुम नहीं कर सकते, ये बिजनेस बेकार है, कहां तुम फंस गए, ये ऐसा होता नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग सुनते नहीं है, कोई शॉपिंग नहीं करता है, इवन अगर आपका अपलाइन इस तरह की बात करता तो प्लीज रेस्पेक्ट जरूर करिए पर उनसे ज्यादा बात मत करिए, क्योंकि वो वही अपलाइन करेगा जो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ग्रोइंग अपलाइन के टच में हो जाइए। और अगर आपकी टीम में भी कोई इस तरह की ज्यादा बातें करता, आपके समझाने पर भी नहीं मानता, तो प्लीज उससे थोड़ी दूरियां बना लीजिए, क्योंकि आप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाली है ये बातें। तो एसोसिएशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अपनी सोच को बदला, हमने अपने अंदर को चेंज किया कि बिजनेस ग्रो करता है, हमने फिर एसोसिएशन को बदला, अब क्या करना है, चेंज योर सेल्फ फर्स्ट। फ्रेंड्स, लोग क्या करते हैं, किस बिजनेस में बताया जाता है कि आपको क्या करना है, लोगों को बिजनेस बताना है, लोगों को बिजनेस में लाना है, ये लोगों का बिजनेस है, टीम वर्क है, सारा कुछ बताया जाता है, लेकिन ये सब करना है, लेकिन उससे पहले अपने आप के अंदर चेंज लेकर के आना है। समीर मोदी जी कहते हैं सोच बदलो, सोच बदलने की बात हमने करी, फिर खुद को बदलो। दोस्तों, यहां पर बात आती है खुद को बदलने की, दुनिया तो हम बाद में बदलेंगे, और खुद को बदलने के लिए करना क्या है, आज से। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले खुद के योर अजम्पशंस को चेंज करना है। अजम्पशंस क्या होता है फ्रेंड्स, मान्यताएं, जो भी बचपन से हमने मान्यताएं सुनी हुई है फ्रेंड्स, उनको हमें चेंज करना है, क्योंकि बचपन से हमने सुना है कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा इंसान को खराब कर देता है, पैसा पेड़ों पर नहीं लगता, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, पैसा कमाने वाला इंसान बेकार होता है, पैसा सिर्फ दो नंबर से कमाया जा सकता है, कोई भी अमीर आदमी ना सिर्फ खराब ही होता है वो, पैसे से गंदी लतें लग जाती है। फ्रेंड्स, जब आप ये चीजें जब अपने माइंड में हमारी मान्यताएं कर चुकी है, तो दोस्तों आप मान लीजिए कि वो चीज कभी भी आपको सफल नहीं होने देगी, जब आप इस तरह की बातें अपने माइंड में लेकर के आएंगे। तो आपको आज से चेंज करना है अपने अंदर की चीजों को, आज से अपने आप को, अपनी मान्यताओं को किस तरह से बदलना है कि पैसा अच्छा होता है, सारे बुरे काम पैसे की कमी से होते हैं, जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, चीटिंग, धोखाधड़ी, ये सब पैसे की कमी से होते हैं, लेकिन पैसा बहुत अच्छा होता है। पैसे से हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, पैसे से अगर हमारे माता पिता बीमार हैं तो उनको अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा सकते हैं। आज कोई भी चीज फ्रेंड्स पैसे के बिना नहीं होती, पैसे से हम अच्छे घर में रह सकते हैं, पैसे से हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, इवन पैसे से हम दान पुण्य कर सकते हैं, इवन मंदिर मस्जिद कुछ भी बनवाना होना फ्रेंड्स, तो वो भी पैसे से ही होता है। तो अपनी इन भावनाओं को, हमें अपने जो भी मान्यता है पहले से, इनको चेंज करना है कि पैसा बहुत अच्छा होता है, पैसा आसानी से आता है, हम भी अमीर बन सकते हैं, हमारे पास भी अथा पैसा हो सकता है, हम कितना भी पैसा दान कर सकते हैं, और जितना पैसा मैं दान करती हूँ या खर्च करती हूँ उससे कई गुना मेरे पास लौट करके आ जाता है। जब आप ये चीजें, ये मान्यताएं अब जब ये मान्यताएं बनाते हैं, और पैसा आदमी को और विनम्र करता जाता है, ये मान्यताएं जब आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर में चेंज करते हैं। इसी के साथ में अब क्या करना है, अंदर चेंज, मान्यताओं को चेंज करने के बाद, ज्वाइन योर सेल्फ फर्स्ट इन मोदी केयर। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को ज्वाइन करने में निकल पड़ते हैं, ये मेरी चाची ज्वाइन हो जाए ना बिजनेस में तो मजा ही आ जाए, ये मेरी सहेली ना ये तो बहुत अच्छी है, ये सबसे उसकी बहुत दोस्ती है, ये अगर ज्वाइन हो जाए तो मजा ही आ जाए। हम हमेशा दूसरों को बदलने में लगे पड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले करना क्या है, खुद को ज्वाइन करना है। खुद को ज्वाइन करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपने मोदी केयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप ज्वाइन हो गए और बस अब क्या है? हो गए खुद को ज्वाइन। नहीं फ्रेंड्स, खुद ज्वाइन होने का मतलब है कि आज से आपने प्रण कर लिया है कि अब आप मोदी केयर बिजनेस आपका है, आप इसे बिल्ड करेंगे, तो सबसे पहले आपको 100% यूजर बनना है। आज से घर के सारे प्रोडक्ट्स, जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था
तो मेरे घर में जितने भी प्रोडक्ट्स थे ना, मैंने इधर उधर काम वाली बाई को सबको दे दिए थे, और उसी दिन प्रण कर लिया था कि आज से मेरे घर में मोदी केयर के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। 100% यूजर बनना है, 100 PV मिनिमम, मैक्सिमम तो फ्रेंड्स आप 200 PV, 300 PV, 400 PV कितना भी कर सकते हैं, बट मिनिमम 300 PV का बिजनेस, मिनिमम 100 PV का बिजनेस आपको एवरी मंथ करना है, ये प्रण करना है। फ्रेंड्स इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। सारे ऑफिसेज समीर मोदी जी ने बना रखे हैं, वहां पे हमें बिजली का बिल भी पे नहीं करना पड़ता, एसी चलता है उसका भी पे नहीं करना पड़ता, वहां हम दिन भर बैठे भी तो हमें 1 रुपया पे नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बिजनेस फ्री में मिला है तो आप इसकी कद्र नहीं करेंगे। इसमें आपको प्रोडक्ट्स यूज करने की आपको शपथ लेनी होगी कि आज से मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करूंगी और मोदी केयर के प्रति मैं समर्पित हूं, इसके सिस्टम के प्रति समर्पित हूं, इसको मैं अडॉप्ट करूंगी और इस बिजनेस को बिल्ड करूंगी। तो ये होगा खुद ज्वाइन होने की बात। और इसके बाद में बी ए लीडर फर्स्ट, आपको सबसे पहले एक लीडर का रोल अदा करना है। जब आप में कुछ क्वालिटीज नजर आएंगी लोगों को, तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे, अपने आप लोग ज्वाइन होते चले जाएंगे, कारवा बनता चला जाएगा। लेकिन लीडर कैसे बनना है, आपको सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना है कि यस, आपको डेली डेमो करना है। डेली डेमो करके पिक आपको जब ग्रुप में आप डालेंगे, तो आपकी टीम में दो भी व्यक्ति होंगे, वो सोचेंगे कि देखो ये तो कंटिन्यू बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी टीम देखती है वो करती है, जो हम बोलते हैं वो कभी नहीं करती। तो आपको डेली डेमो करना है। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स ऑलवेज अटेंड करने हैं, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। जब भी कोई हमारा अपलाइन कोई भी इवेंट कर रहा है, तो टिकट को लूट लेना है टिकट्स को, क्योंकि टिकट जो जितने ज्यादा टिकट लेता है तो उसका बिजनेस उतना ही बड़ा बिल्ड होता है। तो ये एक लीडर की क्वालिटी कि आप सबसे पहले आकर के टिकट लेते हैं। आपको अपनी होम मीटिंग कंडक्ट करनी है, जैसे ही आपकी 3-4 लोगों की टीम तैयार हो जाती है, आप उन्हें ट्रेंड करने का आप काम करते हैं, तो आपको अपनी मीटिंग कंडक्ट करनी है और आपको अपने लीडर, अपनी टीम मेंबर्स को धीरे धीरे लीडरशिप की क्वालिटी में लेकर के आना है। डेमोस के लिए, बिजनेस प्लान के लिए उनको जब आप ट्रेंड करते चले जाएंगे, तो आप खुद में एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी और आपकी टीम भी लीडर बनती चली जाएगी। तो सबसे पहले इस तरह से अपने आप को चेंज करना है। अब क्या करना है, हमने ये सारे काम कर लिए। अब बिजनेस में क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं बहुत सारी, कि एक दिन तो बिजनेस को बिल्ड करते हैं, फिर 4 दिन वो आराम से घर में आराम करते हैं, फिर एक दिन कहीं से ड्रीम इंजन जागता है, फिर एक दिन बिजनेस को बिल्ड करते हैं, फिर वो आराम करने लग जाते हैं। फ्रेंड्स नहीं, ऐसा कभी भी नहीं चलेगा, ऐसे ये बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। और ये ही बिजनेस नहीं, दुनिया का कोई काम नहीं होगा फ्रेंड्स ऐसे, जब आप एक दिन करेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं इस पर आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ, कछुआ और खरगोश की कहानी। फ्रेंड्स आप सबने सुनी होगी कछुआ और खरगोश की कहानी। एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, सोचते हैं कि दोनों रेस करते हैं, देखे कौन जीतता है। और आप सबको, हम सब जानते हैं कि कछुआ लगातार चलता रहता है, खरगोश तेज दौड़ता है और बीच में सो जाता है और सोचता है अभी तो क्या है, जीत तो मैं जाऊंगा ही, उसको लगता है जीत तो मैं जाऊंगा ही। लेकिन कछुआ जाकर के रेस को पार कर लेता है और कछुआ विनर बन जाता है। शिक्षा क्या मिलती है फ्रेंड्स, अगर आप लगातार काम करते हैं, धीरे भी करते हैं पर अगर लगातार करते हैं, तो डेफिनेटली जीत निश्चित है। अगर आप संडे संडे कोई काम करते हैं तो भी आपका काम होगा। लेकिन फ्रेंड्स अब सिस्टम, अब जो माहौल कहता है वो लगातार तो कहता ही है, बट स्पीड के साथ भी कहता है, क्योंकि धीरे धीरे काम नहीं करना। अब तो रेगुलर, अब जिम आप संडे संडे जाएंगे तो बताइए कोई बॉडी बना पाएंगे, आपको रोज जाना पड़ेगा। और रोज में भी अगर सुबह शाम जाते हैं तो बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। तो रेगुलर आपको काम करना पड़ेगा और स्पीड के साथ करना पड़ेगा। ये मैं आगे आपको बता देती हूँ, वो कछुआ और खरगोश की कहानी यही खत्म नहीं हुई दोस्त। कछुआ जब जीत गया और खरगोश जब हार गया, तो खरगोश जब अपने समाज में गया, अपने खरगोश माता पिता के पास, चाचा ताऊ के पास गया, तो उसकी हंसी उड़ी कि तुम खरगोश हो, खरगोश और कछुए से हार के आ गए, तुमने हमारी बिरादरी का नाम बदनाम कर दिया और तुम तो हमारे बीच में रहने लायक नहीं हो, इतने तोस दौड़ने वाले खरगोश तुम हार कर के आ गए। खरगोश को वाकई में अपनी ग्लानी हुई अपनी गलती पर, और वो वापस से एक बार कछुए के पास गया और कहता है, कछुआ भाई रेस एक बार और करें।
कछुआ भी सोचा कि मैं जीत तो गया ही हूं, अब खरगोश कहता तो एक बार और रेस कर लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलते हैं रेस करते हैं। अब क्या हुआ, इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन खरगोश बिल्कुल सचेत था, खरगोश बिल्कुल जागा हुआ था और उसने जाकर के रेत को, क्योंकि रेस को, क्योंकि वो तेज दौड़ता ही था, और रेस को जाकर के जीत लिया। तो शिक्षा क्या मिलती है, अगर आप लगातार चलते हैं लेकिन अगर आपकी स्पीड तेज है तो डेफिनेटली सफलता तो निश्चित है ही है, और वो भी बहुत जल्दी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, कहानी यही खत्म नहीं होती। होता क्या है, कछुआ हार जाता है और खरगोश जीत जाता है। लेकिन होता क्या है कि अब कछुए को अच्छा नहीं लगता कि यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो पहले जीत गया था अब इसने तो मुझे हरा दिया। तो चलो उसने वो खरगोश के पास जाता है और कहता है भाई भाई रेस एक बार और लड़ेंगे, एक बार और रेस करेंगे। तो खरगोश कहता है, खरगोश तो अपने उसमें था ही था कि मैं तो जीत ही गया हूं, कहता है ठीक है भाई एक बार और रेस कर लेते हैं। तो कछुआ कहता है कि इस बार रास्ता मेरे अकॉर्डिंग होगा, और उसने क्या किया, आधा रास्ता तो चुना जमीन वाला थल वाला और आधा चुना जल वाला, मतलब नदी थी पानी था। अब हुआ क्या, कछुआ जब दौड़ा चला तो धीरे धीरे चला, खरगोश तेज तेज चला। खरगोश जब गया तो नदी के किनारे रुक गया क्योंकि खरगोश को तैरना ही नहीं आता था। लेकिन कछुआ जब गया तो नदी वहां पर खरगोश खड़ा हुआ था, लेकिन उसने देखा और वो नदी में कूदा और तैरता हुआ आगे निकल गया। फ्रेंड्स रेस किसने जीती, कछुए ने। कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि अगर आप स्पीड में भी हैं, अगर आप लगातार भी चल रहे हैं, फिर भी आपको टाइम टाइम पे अपनी स्किल में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने अपनी स्किल को बढ़ाया, नई स्किल्स आजमानी होगी, स्किल को अगर आप डेवलप करते रहे तो डेफिनेटली सफलता आपकी निश्चित है। अब स्किल किन किन चीज में बढ़ानी है फ्रेंड्स, मोदी क्या के अंदर स्किल किन किन चीज में बढ़ानी है, तो सबसे पहले देखिए नए नए तरीकों से इनवाइट करने का तरीका सीखना है, क्योंकि जिस तरीके से एक नया व्यक्ति इनवाइट करता है, अगर आप थोड़ी ग्रोथ कर चुके होते हैं तो आपके इनवाइट करने का तरीका चेंज होता है। आपको हर दिन उसमें चेंजेस लेकर के आने हैं, आपको प्लान शो करने में चेंज लेके आने हैं। पहले हम 1.5 घंटा प्लान में लगाते थे, लिख लिख के बताते थे, अब हमारे पास CYL है, अब हम शॉर्ट में प्लान समझाते हैं, अब 45 मिनट में आपको प्लान खत्म करना है। तो हर दिन स्किल, जैसे पहले लैंडलाइन होता था, फिर छोटा मोबाइल आया, फिर हमारे पास अब स्मार्टफोन है और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं। तो इसी तरह से टाइम टाइम पे बदलाव, टाइम टाइम पे स्किल में जब आप अपने आप में डेवलपमेंट लेकर के आएंगे तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे, आपका बिजनेस तेजी से बिल्ड होगा। आपको फॉलो अप की स्किल में चेंज लेकर के आना है कि किस तरह से मैं बहुत अच्छे तरीके से फॉलो अप कर सकती हूँ। आपको अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज में डेवलपमेंट नॉलेज को आपको बढ़ाना है, हर प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस प्रोडक्ट को किस तरह से नीड जनरेट करते हैं और किस तरह से उसकी क्वालिटी को बताते हैं, ये आपको अगर आ गया तो डेफिनेटली आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा फ्रेंड्स। इसी तरह से किस तरह से आपको नए लोगों के साथ दोस्ती करनी है। देखिए फ्रेंड्स आज तक तो हमें बताया गया था कि नए लोगों से दूर रहिए, लेकिन बिजनेस में हमारे लोगों का बिजनेस है, नए लोगों को हमें बिजनेस शेयर करना पड़ता है, तो उनसे दोस्ती किस तरह से हमें पक्की कर लेनी है, तो ये भी स्किल डेवलपमेंट में आता है। आपको इस तरह से करना है, लिस्ट किस तरह से बनानी है, लिस्ट किस तरह से अपनी बढ़ानी है, ये भी आपको इस बिजनेस के अंदर करना है, और अपने सपने किस तरह से लिखने हैं, सपनों को किस तरह से बढ़ाना है, ये सब स्किल जब आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली। हमारी सुरेखा भार्गव मैम की काफी सारी वीडियोस फेसबुक पे और यूट्यूब पर अवेलेबल है जो ये स्किल डेवलपमेंट में आपकी मदद करेंगे, हर दिन आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। तो चलिए अब मैं आगे चलती हूं, कछुआ और खरगोश की कहानी पर हम फिर से आ जाते हैं फ्रेंड्स। कछुआ और खरगोश के बीच हुआ क्या, क्योंकि जिसके अंदर स्किल थी, जिसने अपनी स्किल को डेवलप किया, जिसने हर दिन सीखा, सीखने की चाहत रखी, कहने का मतलब कि कछुए को तैरना आता था, खरगोश में स्किल नहीं थी, तो कछुआ जीत जाता है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती फ्रेंड्स, इतना होते होते दोनों बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं, 3 बार रेस जो कर चुके होते हैं, और अब उन्होंने एक बार और रेस करने का डिसीजन लिया, और एक बार उन्होंने अब कहा कि हम अब फिर से एक बार रेस करेंगे, लेकिन ये डिफरेंट तरह की रेस होगी। और रेस कैसे होती है कि जब जमीन आती है तो कछुआ खरगोश को अपनी नहीं सॉरी खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठा लेता है, क्योंकि कछुआ वहां धीरे चलता है, और जब पानी आता है तो खरगोश वो कछुआ
जब पानी आता है तो कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और दोनों पहले से भी कम समय में रेस कर लेते हैं और रेस में दोनों ही जीत जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि टीम वर्क, ऑलवेज टीम वर्क में पावर है। अगर हम एक टीम में रह करके मिलकर के इस तरह से हम बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी ही होगी। फ्रेंड्स, इसमें कोई शक ही नहीं होता। इसीलिए हमेशा अपनी अप्लायंस के कनेक्टिविटी में रहिए, अप्लायंस के टच में रहिए, अप्लायंस की मदद लेते रहिए, उनसे बात करते रहिए। दिन में एक बार अप्लायंस से जरूर बात करिए और अपनी टीम के संपर्क में रहिए। अपनी टीम को जहां भी मदद की जरूरत हो, जहां भी कोई चीज सिखाने की उनको जरूरत हो, आप हमेशा रेडी रहिए। जब हम एक टीम में काम करेंगे तो हर किसी का जीबीडीडी बनना तो तय है, और वो भी तेज स्पीड से, वो भी फास्ट स्पीड से। तो आपने देखा, यहाँ पर लर्निंग एटीट्यूड रखना है, स्किल को डेवलप करना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, स्किल को डेवलप करते जाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली वर्क करना है। अब हमें सिस्टम को फॉलो करना है। फ्रेंड्स, सिस्टम क्या होता है, अभी रेनू ने आपको बताया था एक अंगीठी का एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल फ्रेंड्स यहाँ पर है। जब तक एक अंगीठी के अंदर कोयला रहता है, जब तक वो सिस्टम में रहता है, वो जलता रहेगा, और यकीन मानिए काफी देर तक वो जलता रहेगा जब इनके टच में रहेगा वो। लेकिन अगर एक कोयले को निकाल करके अलग कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, वो बुझ जाएगा। यही सिस्टम की पावर है, यही एसोसिएशन की पावर है। और इसी तरह से आप देखिए, काइट उड़ रही है आसमान में, एक पतंग, ग्रेविटी का नियम इस पर लागू नहीं होता, ये आसमान में उड़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक डोर इसके साथ बंधी हुई है। ये डोर क्या, एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम में रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों पर हम जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस तरह से एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, एक 10 साल का बच्चा है, एक 18 साल का नौजवान है, एक 45 साल की लेडी है, और एक 80 साल का एक बुड्ढा आदमी है। अगर उन्हें बोल दिया जाए कि यहां से 5 किलोमीटर आपको जाना है, तो कौन पहले जाएगा, कौन पहले वहां पहुंचेगा? तो सबका जवाब होगा कि 18 साल का एक व्यक्ति जो कि यंग है, जवान आदमी है, वो दौड़ भी लगाएगा तो सांस भी नहीं फूलेगी, वो जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उनके पास में गाड़ी है, अगर एक गाड़ी है जो उन चारों को बिठा करके लेके जाती है, तो आप बताइए कौन जल्दी पहुंचेगा? जी हाँ, चारों एक साथ पहुंच जाएंगे। ये किसकी पावर है? ये है सिस्टम की पावर। तो सिस्टम क्या कहता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। सिस्टम कहता है 1-2 का 4। 1-2 का 4 क्या होता है? महीने का एक सेमिनार, महीने की 2 ट्रेनिंग, एक प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, एक बिजनेस की ट्रेनिंग, और महीने की 4 वीकली मीटिंग आपको अटेंड करनी है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो आपको, अगर आपके जहां आप रहते हैं वहां से 100 किलोमीटर के एरिया में भी अगर कोई सेमिनार हो रहा है तो वो आप जरूर अटेंड करेंगे। सिस्टम नंबर 2, 9-to-9 वर्क करना है। फ्रेंड्स, 9-to-9 का मतलब क्या है? आप कहेंगे जी 9-to-9 मोदी केयर को कैसे दे सकते हैं, हम तो पहले से जॉब करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 से अगर आप 5 जॉब करते हैं तो 5 से लेकर 9 मोदी केयर को दे दीजिए। 9 से अगर 7 आप जॉब करते हैं तो 7 से लेकर 9 मोदी केयर को दे दीजिए। इस तरह से 9-to-9 आपका वर्क हो गया। अब मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं 11 बजे शॉप खोलता हूँ और शाम को 8 बजे तक रहता हूँ। तो जी हाँ, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक मोदी केयर को दे दीजिए और रात को 8 से लेकर 9 मोदी केयर को दे दीजिए। हो गया आपका 9-to-9 वर्क। जैसे मैं एक गृहिणी हूँ, अब मुझे बताया जाए कि मैं कैसे बिजनेस को करूँ, क्योंकि मुझे तो घर भी संभालना है, तो मैं 9 से लेकर 11 अपना घर मैनेज कर लेती हूँ और 11 से लेकर 7 तक मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर लेती हूँ और 7 से 9 फिर मैं अपना घर मैनेज कर लेती हूँ। तो 9-to-9 मेरा वर्क हो जाता है फ्रेंड्स। और अगर आप फुल टाइम में मोदी केयर के अंदर है, फुल टाइम इसको देते हैं, अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, अपना बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं, क्योंकि मोदी केयर में आप एक लेवल पर आ चुके हैं, तो अब आपको 9 से 9 मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करना है। 9 बजे आपको आपका घर का दरवाजा दुश्मन लग जाना चाहिए फ्रेंड्स, दुश्मन, उसको आपको लांग करके बाहर निकलना ही है। और अगर आपने इस तरह से वर्क किया तो डेफिनेटली जीबीडी बनना, यहां से 10 लाख नहीं, 50 लाख, 1 करोड़ महीने का चेक लेना भी बहुत आसान है। 313, नेक्स्ट सिस्टम कहता है 313। ये क्या है? 3 मिनट सुबह उठेंगे। क्या आप 6 बजे उठते हैं तो 3 मिनट पहले उठ सकते हैं? 7 बजे उठते हैं तो 3 मिनट पहले उठ जाइए, और 8 बजे भी उठते हैं तो 3 मिनट पहले उठ जाइए। क्या ऐसा कर सकते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों
ये इस सिस्टम को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर लोगे। और नहीं उठ सकते 3 मिनट पहले, तो उठने के बाद आप 3 मिनट दे दीजिए। कैसे उठेंगे? 3 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर बैठेंगे और दिल से आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं उनको आप धन्यवाद देंगे, और जो भी चीजें आप चाहते हैं उनको आप धन्यवाद देंगे। और फिर वन, वन का मतलब है हर एक घंटे में आप धन्यवाद देंगे। जैसे आप 7 बजे उठे हैं, 8 बजे फिर आप धन्यवाद देंगे जो जो चीजें आपकी जिंदगी के अंदर है। 9 बजेंगे फिर धन्यवाद देंगे, 10 बजेंगे फिर धन्यवाद देंगे, 11 बजेंगे फिर धन्यवाद देंगे। इस तरह से पूरा दिन जब तक आप सोते हैं हर एक घंटे में धन्यवाद देंगे, और रात को सोने से पहले 3 मिनट आप धन्यवाद करके सब चीजों के लिए कृतज्ञ होकर के सोएंगे, तो ये बहुत बड़ा आपके सक्सेस में रोल अदा करेगा। फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए 6 बज रहे हैं, आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, 7 बज रहे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अब आप धन्यवाद नहीं दे सकते क्योंकि आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आप दिल से कह दीजिए कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। चौथा सिस्टम कहता है टीम 25। फ्रेंड्स, टीम 25 एक बहुत जबरदस्त सिस्टम है। आप अपनी टीम 25 बनाइए। टीम 25 कैसे? एक आपके नीचे 6 और उनके नीचे 3-3, 1, 6 और 18 हो गए टीम 25। आप इन टीम 25 के साथ में महीने में एक बार मिलिए, महीने में एक बार इनके साथ डांस करिए, अपने घर पे कुछ भी हल्का फुल्का बना लीजिए, साथ में खाइए, साथ में मस्ती कीजिए, फुल डे आप एंजॉय कीजिए, उनसे आपके रिलेशंस बिल्ड होंगे, तो आपका बिजनेस तेजी से बिल्ड होगा। और अपनी टीम में भी सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, उनको भी जिस जो आपकी टीम 25 में आए हैं उनके साथ भी टीम 25 करने को बोलना है। और फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो जरूरी नहीं है 25 लोगों की टीम ही हो, 5 की भी है, तो इसी तरह से महीने में एक बार आपको उनके साथ में बैठना है। इस सिस्टम का नाम टीम 25 है, बट इसमें 5 लोग भी हो सकते हैं और 30-40 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये घर पर ही किया जाता है तो इजीली इतने लोग घर पर आ जाते हैं। इन्वेस्ट 25% ऑन बिजनेस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिस्टम कहता है कि जो भी आपका चेक आ रहा है, जो भी अकाउंट में आपका चेक आ रहा है, उसका 25% आपको अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करना है। इस बिजनेस में कुछ नहीं लगता फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्ट किस चीज पे करना है? जैसे आपने कहीं की टिकट ली, तो आपको वहां जाना है, 500 रुपए की टिकट है, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया आपके चेक में से। आपको कोई भी और सेमिनार अटेंड करना है जिसकी टिकट 100 रुपए है, 500 रुपए है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। आपको अच्छी बुक खरीदनी है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गया। और अगर आपको कहीं भी आना जाना है, पेट्रोल लग रहा है, किराया लग रहा है, तो वो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। इस चीज को रोकना नहीं है कि नहीं मैं तो ये खर्च नहीं करूंगा। अगर आप ये करेंगे, 25% बिजनेस में लगाएंगे, तो डेफिनेटली बड़ी सफलता हासिल होगी। मैजिक ऑफ 5। नेक्स्ट सिस्टम कहता है कि कभी भी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हो जाए, कभी भी अपने 5 टिकट कंफर्म कर लीजिए, 5 लोगों को लेकर के जाइए। अगर आप नए हैं तो 5 लोगों को लेके जाइए, लेकिन अगर आप एसडी बन गए हैं तो अपनी 3 लोगों को तो लेकर के जाएंगे, लेकिन आपको अपनी अदर लेग्स में से 5 लोगों को जरूर लेकर के जाना है। फ्रेंड्स, जादू हो जाएगा इससे। आपको कुछ भी करना है, लेकिन आपको सिस्टम के अंदर लोगों को लेकर के जाना है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार के अंदर, अपनी गाड़ी में भर करके। क्योंकि 5 क्यों बोला है? क्योंकि गाड़ी में 5 सीट होती है, आप 5 को ले जा सकते हैं। लेकिन आप कहें मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस में जाइए 50 को लेकर के जाइए, ट्रेन में जाइए और ज्यादा को 100 को लेके जाइए, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है, बट 5 को तो आप लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। 632। फ्रेंड्स, 632 क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। 6 लोगों को आप ज्वाइन कीजिए, उनके नीचे 3-3 लोग ज्वाइन करेंगे, उनके नीचे 2-2 लोग। कितना आसान है, आपने 6 को बिजनेस में लेकर के आए, वो 3-3 को लाएंगे, 2-2 को, और इस तरह से आपकी टीम में 60 लोग हो जाएंगे। और 60 लोग जब 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं, इवन 100-100 PV भी करते हैं, 2700, 2700, 2500, 2500 या 3-3 हजार बिजनेस वॉल्यूम, तो यहां पर आपका चेक 15,000 से 20,000 को क्रॉस कर जाता है, जो कि बहुत आसान है यहां से अर्न करना। आगे सिस्टम कहता है 10 कदम। दोस्तों, 10 कदम का मतलब है ये इस बिजनेस को 5 साल का लेकर के चलना है, 5 साल इस बिजनेस को देना है। अगर 1 साल में 10 लोगों को भी आप लेकर के आते हैं, वो 10 भी दूसरे साल में 10 को लेके आने का मतलब ये नहीं कि पूरे साल में 10 को बिजनेस बताएंगे। 365 दिन में 365 लोगों को बिजनेस बताना है, डेली 1 को फॉलो करना है, और 365 में से
200 लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ यूजर बनेंगे, कुछ ट्विटर बनेंगे, लेकिन 10 लोग आपके जैसे जरूर होंगे उसके अंदर। ये रूल्स सिस्टम कहता है ये, क्योंकि सिक्के को जब आप उछालेंगे तो ऑलवेज हेड हेड या ऑलवेज टेल टेल नहीं आता, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसा नहीं है कि आप जिसको भी बिजनेस बताएंगे आपके जैसे व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे, आप जिसे बिजनेस बताएंगे कुछ ना करेंगे, कुछ हाँ जरूर करेंगे। एक साल में अगर आप अपने जैसे 10 लोगों को भी लाते हैं, दूसरे साल में 10 भी 10-10 को लाते हैं तो 100 हो जाते हैं, तीसरे साल में 100 भी 10-10 को लाते तो 1000 हो जाते हैं, और चौथे साल में 1000 भी 10-10 को लाते हैं तो 100,000 लोग हो जाते हैं, और 10,000 लोग हो जाते हैं, और पांचवें साल में वो 10,000 लोग भी 10-10 लोगों को लाते हैं तो 100,000 लोगों की टीम बन जाती है। 100,000 लोग हजार हजार बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं मात्र, जबकि अब जमाना नहीं है हजार बिजनेस वॉल्यूम का, अब तो एयर प्यूरिफायर लॉन्च हो गया, 10-10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है एक एक महीने का। तो लेकिन फिर भी हम कम से कम मान लेते हैं तो फ्रेंड्स 20 करोड़ की हमारी सेल होती है, 20 करोड़ में से 10 करोड़ कंपनी का कंपनी हमें बिजनेस वॉल्यूम देती है, और 10 करोड़ का अगर 10% भी लगाएं तो 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आता है। फिर भी क्या होगा, कुछ डेडिकेट लोग भी इस बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। अगर 90% भी छोड़ के चले जाते हैं फ्रेंड्स, आपको छोड़ करके नहीं जाना, आपको इस बिजनेस को क्विट नहीं करना, एक ही फॉर्मूला फॉलो करना है, डोंट क्विट। अगर आप चलते रहेंगे, अगर आपके साथ 10% भी लोग बचते हैं तो 10,00,000 रुपए महीना आपका कहीं नहीं जाने वाला फ्रेंड्स, इतना जबरदस्त इस बिजनेस में पावर है। नेक्स्ट आपको सिस्टम फॉलो करना है फैमिली ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स आपको अपनी टीम मेंबर्स के घर एक बार, ब्रेकफास्ट का मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट पे ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर पे जाना है, आपको बोलना है कि मैं आपके घर आ रहे हैं, मिल करके आपके घर ब्रेकफास्ट करेंगे। अगर कोई सक्षम नहीं है, कोई नहीं करवा सकता, तो समोसे पैक करवा के ले जाइए और बोलिए चाय बना के रखिएगा, मैं आ रही हूँ आपके पास में। तो इस तरह से क्या होगा, ये रिलेशन बिल्ड करने का सिस्टम है, ये बिजनेस रिलेशन पर चलता है फ्रेंड्स। मिशन 10,000, नेक्स्ट बात करें, मिशन 10,000 का मतलब है कि सबसे पहले आपको 10,000 कमाना सीखना है, और अगर आप कमाते हैं तो अपनी टीम में 10,000 कमाने वालों की लाइन लगानी है। और सिस्टम नंबर 11, सेम डुप्लीकेट। फ्रेंड्स इसके अंदर डुप्लीकेट, आपको अपनी टीम के अंदर ये सारा सिस्टम डुप्लीकेट करना है। जब आप अपने जैसे लोग दुनिया में क्रिएट कर देंगे तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, कहीं से भी रुक नहीं सकता। तो अपने को फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करने, अपने फॉलोअर्स नहीं बनाने, तालियां बजाने वाले लोग नहीं लेने अपने लिए, अपने को ऐसे लोग क्रिएट करने हैं, अपने जैसे लीडर्स क्रिएट करने हैं। जब आप लीडर्स बनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सफलता आपको हासिल होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगला आता है टेक ओनरशिप। फ्रेंड्स आपको अपने मालिक बनकर के काम करना है, नौकर बनकर के नहीं। जॉब मेंटेलिटी नहीं रखनी यहाँ पर कि बस जॉब में चले गए और आ गए, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि जॉब इंसान को वहीं की वहीं खत्म कर देती है, वो उसकी क्रिएटिविटी को नहीं बढ़ाती, बस लगता है कि किसी और के लिए काम कर रहे हैं और काम करके आ गए। लेकिन यहाँ पर आपको मालिकाना, एक मालिकाना रोल अदा करना है, ओनरशिप लेनी है। ये बिजनेस हमारा है, इस बिजनेस में पैसा नहीं लगा तो क्या फ्रेंड्स, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा हमें बिजनेस मिल रहा है और हमारा पैसा नहीं लग रहा, वरना हम क्या करते, वरना शायद इस बिजनेस को कर भी नहीं पाते। लेकिन सोचिए, ये इसकी स्ट्रेंथ बना लीजिए आप इस बिजनेस को, कि पैसा नहीं लगा, ये इसकी ताकत है। और समझिए कि आज से मैंने 3 करोड़ रुपए इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मैं इसको उस तरह से चलाऊंगी जिस तरह से 3 करोड़ लगाने वाला चलाता है, मुझे 3 करोड़ निकालने हैं यहां से, मेरा बिजनेस है ये कंपनी मेरी है, ये प्रोडक्ट्स मेरे हैं, ये सिस्टम मेरा है। इस तरह की बिजनेस मेंटेलिटी आप रखेंगे और लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलेंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, वो 6 महीने में नहीं देखता कि ये मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसे बंद कर दूं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग असफल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो छोटा सोच करके इस बिजनेस में आते हैं, वो सोचते हैं कि 6 महीने करके देख लेता हूं, 2 महीने करके देख लेता हूं, 8 महीने करके देख लेता हूं। नहीं दोस्तों, आपको इस बिजनेस को 5 साल देना है। कोई सरकार भी बनती है ना, 5 साल के लिए मौका दिया जाता है, 5 साल के लिए बनती है, पंचवर्षीय योजनाएं बनती है, एक दिन में कुछ नहीं होता। इसी तरह 5 साल का अगर आप विजन लेकर के चलेंगे, डेफिनेटली मैं अश्योर करती हूँ 5,00,000 रुपए महीना आप डेफिनेटली यहां से कमाने लगेंगे। तो आपको एक मालिक की तरह यहां पर काम करना है। आगे क्या करना है, लव व्हाट यू डू। फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज है, अगर आप इसे समझते हैं तो ये
जबरदस्त तरीके से आपको काम करेगा। आप इस बिजनेस में जो भी सिस्टम बताया है, जो भी काम कर रहे हैं, उसको प्यार करिए, दिल से आप प्यार करिए उन चीजों को। जब आप प्यार करते हैं, जब आपको मजा आने लगता है, तो मैं सच बता रही हूं, कभी थकान फील नहीं होती आपको। और आप देखिए, एक बच्चा खेलता है 5 घंटे 7 घंटे कितना भी वो खेल सकता है, उसको थकान ही नहीं होती। लेकिन पढ़ने में अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी बच्चे का और उसे पढ़ने बिठा दिया जाए, तो उसको आधे घंटे में भूख भी लग जाएगी, उसको वॉशरूम भी जाना होगा, उसको थकान भी होने लग जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर हमें जो भी इस बिजनेस के अंदर काम करने हैं, अगर उनसे दिल से हम प्यार करने लग गए, तो हमारी सफलता निश्चित है। रियली फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी बात बताऊं, मुझे लोगों से दोस्ती करने से प्यार है, मुझे लोगों से बात करने से प्यार है, मुझे लोगों को बिजनेस बताने से प्यार है, मुझे, मैं आपको बताऊं कि लोगों के अगर लाइफ में थोड़ा सा भी अगर मैं खुशी से भर पाऊं, उससे मुझे प्यार है। तो इन चीजों से प्यार करना है। और प्यार किस किस से करना है? सबसे पहले खुद से प्यार करना है, अपने आप से प्यार करना सीखिए। ये मत सोचिए मुझे तो भगवान ने बनाया ही बेकार है, मुझ में तो कोई क्वालिटी ही नहीं दी, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। फ्रेंड्स नहीं, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, सब बच्चों को एक जैसा भगवान ने बना करके भेजा है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, शीशे में एक बार अपने आप को देख करके शाबाशी जरूर देनी है कि यस, भगवान ने मुझे बनाया है और मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो कोई भी इंसान कर सकता है। तो सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, फिर प्यार किससे करना है? अपने प्रोडक्ट से। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट से प्यार कैसे करना है? जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, प्रोडक्ट से हमें, कहते हैं ना, अपना ही बच्चा अच्छा लगता है, चाहे पड़ोसी का बच्चा कैसा भी हो। इसी तरह से हमें अपने प्रोडक्ट्स दिलो जान से प्यारे होने चाहिए। मैं सच में दूसरे प्रोडक्ट्स को देखती भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं देखती, मुझे नहीं पता कि क्या प्रोडक्ट्स, क्या कौन सा आता है, कौन सा मार्केट में आता है। मुझे इतना प्यार है अपने प्रोडक्ट से, और ये इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका आपका निभाएगा। आगे आपको प्यार करना है सिस्टम से, जो सिस्टम मैंने अभी बताया। आपको तड़प होनी चाहिए, इससे आपको प्यार होना चाहिए कि एक तरफ आपके घर में कोई फंक्शन है और एक तरफ आपका मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार है, एक तरफ आपके रिश्ते में कोई शादी है, तो कहां जाएंगे लोग? पहले शादी में चले जाते हैं, 5-5, 7-7 घंटा वहां व्यतीत करते रहते हैं। जबकि फ्रेंड्स, अगर आप सच में सिस्टम से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करके करने जाएंगे, आपका एक डेमो है तो डेमो करेंगे, और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर अपनी किसी रिलेटिव्स की शादी को अटेंड करने जाएंगे। मैंने फ्रेंड्स ऐसा ही किया है। इन 4 सालों में कोई, मैंने सबसे पहले सिस्टम को, अगर मेरा डेमो है तो, अगर मेरे घर में कोई फंक्शन है तो मैं फंक्शन में से बीच में से समय निकाल के डेमो देने चली जाती हूँ। और अगर मेरे घर में कोई सेमिनार है, इवन मेरी बेटी तो कई बार हंसती भी है कि मम्मी भाई की शादी होगी और समीर मोदी जी अगर कोई सेमिनार कर देंगे तो आप तो वहां जाओगे पहले। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल हम जाएंगे, ये भी प्रोग्राम देखेंगे और वो भी प्रोग्राम देखेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम मैनेज करेंगे सब चीजों को, क्योंकि वो भी हमारी किसी शादी से कम नहीं है। तो हमें सिस्टम से प्यार करना है और हमें लोगों से प्यार करना है, अपनी टीम से प्यार करना है, अपने अपलायंस से प्यार करना है, क्योंकि प्यार में जो शक्ति है ना फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी होती है। तो इस तरह से आपको इन चीजों को फॉलो करना है। अब मैं अपनी, मेरी लास्ट स्लाइड है उसको आपको बता रही हूं, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल चैलेंजेस। फ्रेंड्स, इतना सब आप कर रहे हैं, फिर भी अगर चैलेंज से, तो कहते हैं ना कि सी से होता है चैलेंज, चैलेंज तो आएगा ही, ए से होता है, मतलब बी से होता है बर्थ, आपने पैदा हुए, और डी से होता है डेथ, हम चले गए इस दुनिया से, और बी और डी के बीच में क्या होता है? सी। और सी से क्या होता है? लाइफ। लाइफ तो होती है, लेकिन लाइफ में क्या होता है? चैलेंज। लाइफ चैलेंज से भरी होती है फ्रेंड्स। आप चैलेंज देख के या तो आप रोते रहिए, या चैलेंज को बदल दीजिए सी से सेलिब्रेशन में। च्वाइस आपके पास, सी से च्वाइस होती है दो आपके पास में। तो फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपके लाइफ में कोई चैलेंज आता है, फिर भी बिजनेस में कोई चैलेंज आता है, तो कृतज्ञता का भाव रखिए। ऑलवेज सारी चीजों के सॉल्यूशन है अगर आप अपने मन में धन्यवाद, कृतज्ञता, दिल से आप कृतज्ञ होते हैं, किसी भी चीज के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी वो आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाती है इसका पता भी नहीं चलता। इसके ऊपर एक कहानी मैं छोटी सी आपको सुनाना चाहूंगी। एक बार एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान में थी, उसके पंख जल चुके थे रेगिस्तान की गर्मी से, उसके आसपास कोई खाना नहीं था, पानी नहीं था, कोई पेड़ पौधा नहीं था, और वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं कर पा रही थी और अपनी लाइफ में तड़प रही थी।
तभी एक चील उधर होके गुजरी और उसने देखा कि कोई चील जा रही, उसने आवाज लगाई भैया भैया। वो चील ने देखा कि बेचारी नन्नी सी चिड़िया जो बिल्कुल उड़ भी नहीं सकती, रेत पर गिर जाती है, शरीर जल जाता है, उसके पास आता है। बोले क्या हुआ, कि आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं स्वर्ग के दर्शन करने जा रहा हूँ, कि स्वर्ग में अगर आपको कोई भी मिले तो वहां पूछेगा कि मेरी तकलीफ कितने दिन है, ना तो मैं मृत्यु को प्राप्त कर पा रही हूँ और ना मैं यहाँ पर रह पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चील जब वहां जाती है तो वहां यम के दूत बैठे होते हैं जो स्वर्ग के अंदर या नर्क के अंदर ले जाते हैं, तो उनसे वो पूछता है कि भाई एक चिड़िया मुझे मिली थी, बहुत दुख तकलीफ में थी, आप जरा भगवान से पूछ के बताइए कि उसके दुख कब टलेंगे, तब वो चिड़िया या तो मृत्यु को प्राप्त होगी या अच्छी जिंदगी जिएगी। तो उसने कहा कि 7 साल तक वो चिड़िया ऐसे ही रहेगी, क्योंकि उसने उसके पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे हैं कि उसको ये तकलीफ मिलनी ही है। तो वो सोचा कि मैं कैसे उस चिड़िया को जाकर के बताऊं कि 7 साल तुम इस तरह से तड़पोगी। तो उसने विनती करी कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे इस चिड़िया के दुख कुछ कम हो जाए, मुझे बहुत तरस आया उस पर और मैं चाहता हूं कि कुछ उसकी तकलीफ कम हो जाए। तो उसने कहा कि अगर वो चिड़िया कृतज्ञ होती है, धन्यवाद देती है, तो उसकी तकलीफें कम समय में भी दूर हो जाती है, हो जाएंगी। और वो जब अपनी चिड़िया के पास जाता है, वो कहता है कि तुमको हर वक्त धन्यवाद देना है। तो वो चिड़िया समझ जाती है और जब वो गरम गरम रेत पर गिरती है तो धन्यवाद देती है कि धन्यवाद भगवान जी मुझे जीवित रखने के लिए। जब वो चिड़िया फिर उसको कोई ना कोई तकलीफ होती है तो फिर वो धन्यवाद देती है, वो धन्यवाद 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 हर चीज के लिए कृतज्ञ होती चली जाती है, धन्यवाद देती चली जाती है। वो देखती है धीरे धीरे बरसात होने लगती है उस रेगिस्तान के अंदर और वहां पर पानी जमा हो जाता है एक गड्ढे के अंदर, तो उसे पानी मिलने लगता है। धीरे धीरे बरसात के साथ ही वहां पड़ोस में एक पेड़ उग जाता है, धीरे धीरे पेड़ के साथ में ही उसके धीरे धीरे पंख निकलने लगते हैं और 7 दिन में उस चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। 7 दिन के अंदर उस चिड़िया की दुख तकलीफ दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि अगर हम थैंकफुल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद देते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो समय हमें लगेगा किसी भी चीज को प्राप्त करने में वो बहुत कम लगेगा और हम सारी सफलताएं सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब अपनी मदद खुद करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को सच करने के लिए जब हम खुद निकल पड़ते हैं तो फिर ये पूरी कायनात, ये ईश्वर सब हमारे साथ लग जाते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से मैं और बात को खत्म करूंगी। एक बार एक चिड़िया थी और एक समुद्र के किनारे उसने अपने घोंसला बना रखा था और चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे, कुछ बच्चे उसके होने आने वाले थे बाहर अंडों में से, और इतनी देर में समुद्र आता है और समुद्र आकर के उसके अंडों को बहा करके ले जाता है। अब चिड़िया बहुत दुखी होती है अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए, बहुत उतावली हो रही होती है और उसी में वो उसके अंडों को बहा कर ले जाता है। तो वो बोलती है कि समुद्र समुद्र मेरे अंडों को लौटा दो। तो वो कहता है कि हंसता है समुद्र कि अब अंडे नहीं लौटेंगे क्योंकि ये तो मेरा बहाव है, ये ऐसे ही चलता है, इसके बीच में जो भी आ जाता है कुछ कुछ नहीं कर सकता हूं। तो उसको समुद्र को देखते कि कितना घमंड है इस समुद्र के अंदर और वो कहती है समुद्र मैं है ना तुमको सुखा दूंगी। तो चोंच से वो क्या करती है, पानी को ले लेके साइड में डालती है। तो बताइए क्या चोंच से समुद्र हंसता है कि तेल चोंच से क्या है, मैं सूखूंगा? और इस सारे के सारे पक्षी देखते हैं कि ये चिड़िया क्या कर रही है, ये चिड़िया ना पागल हो गई, इसकी जिंदगी भी निकल जाएगी ना पूरी की पूरी, तो भी ये समुद्र को नहीं सुखा पाएगी। तो चिड़िया कहती है कि बाकी के पक्षी आते हैं, वो कहते हैं अरे चिड़िया तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या, ये पूरी तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, समुद्र का एक लोटा भी पानी का भार नहीं आएगा, ये तुम बेवकूफपंती मत करो। तो कहती है कि नहीं, मैं इस समुद्र को सुखा के रहूंगी, मैंने दृढ़ निश्चय ले लिया और देना है तो मुझे, मेरी करना है तो मेरी मदद करो, मुझे सलाह मत दो मुझे, मेरी मदद करो। तो वो सारे के सारे पक्षी सोचते हैं कि यार हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए और सारे के सारे पक्षी पानी को निकालने में लग जाते कि नहीं हमें इसे मदद करनी चाहिए। तो देखते हैं पक्षियों के राजा गरुड़ जी कि क्या कर रही है चिड़िया पागल सी, ये सारे पक्षी पागल हो गए क्या, मैं इनका राजा हूं, ये क्या बेहूद की हरकतें कर रहे हैं, ये समुद्र कोई सूखेगा क्या? तो उसने कहा कि गरुड़ आया नीचे, भगवान जी विष्णु भगवान का वाहन है ना गरुड़, कहता भगवान जी अभी आता हूं मैं। तो बोले ठीक है भाई, कहीं जा रहा होगा जरूरी काम से। अब वो आकर के कहता है
कि अरे पक्षियों तुम बेवकूफ हो गए क्या, क्या करने लगे हो? बोले इस चिड़िया के अंडे ले लिए, चिड़िया सुखा ली तो हम भी लग गए। तो बोले पागलों तुमसे जिंदगी में भी समुद्र नहीं सूखेगा। तो सारे पक्षी कहते हैं देना है तो साथ दो सलाह मत दो। अब गरुड़ भी सोचता है यार मुझे साथ देना चाहिए, सलाह मैं क्या दे रहा हूँ इन लोगों को, ये अब जब इतने अड़े हुए हैं अपनी अपने वचन उस पर अपनी चीज को पाने के लिए, ये जब इतनी जिद्दी है तो मुझे भी साथ देना चाहिए। और गरुड़ भी क्या करता है चोंच से उठा उठा के और पानी को बाहर डालने लग जाता है। बहुत देर तक विष्णु भगवान इंतजार करते हैं कि अरे क्या हुआ ये गरुड़ तो अभी तक नहीं आया, मेरे को कहीं जाना है, कितने सारे काम है और कहाँ लग गया, ये किन चीजों में उलझ गया। और जब ऊपर से देखते हैं तो देखते हैं कि गरुड़ भी उन पक्षियों के साथ लगा हुआ है पानी निकालने में। तो भगवान कहते हैं कि हे भगवान इन सबको क्या हो गया। भगवान खुद उतर करके नीचे आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, सारी स्टोरी सुनाई गई। तो भगवान कहते हैं तुमसे जिंदगी में भी समुद्र नहीं सूखेगा, अपनी जिद को छोड़ दो, आ जाओ सारे के सारे, जिद छोड़ो गरुड़ चलो तुम। तो गरुड़ जी कहते हैं प्रभु देना है तो साथ दो सलाह मत दो। तो प्रभु ने क्या करा कि बात तो सही है भाई, अगर मुझे देना है तो इनका साथ दूं, मैं सलाह क्या दे रहा हूं। और तब भगवान एक गर्जना करते हैं कि समुद्र या तो तू इस चिड़िया के बच्चे लौटा दे नहीं तो मैं तुझे अभी सुखा देता हूं। और वो समुद्र डर जाता है, एक बहाव लेकर के आता है और चिड़िया के बच्चे वैसे के वैसे बाहर छोड़ करके चला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी बन जाते हैं, चलते रहते हैं, तो उस भगवान को भी आपका साथ देना पड़ता है। और यकीन मानिए आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए कभी भी आप किसी के बहकावे में बताइए कि क्या कर रहे हो, किस चीज में पड़े हो, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, आप चलते चले जाइए, पूरी दुनिया भी साथ में आएगी, ईश्वर भी साथ देंगे और हम सभी के सपने सच होंगे। थैंक यू सो मच, आज की मेरी प्रेजेंटेशन इतनी है। मैं वापस आज बुलाना चाहूंगी हमारी एमसी को रेनू गुप्ता को कि वापस आए और अपना पार्ट निभाए। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच निशा भाभी, बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी। और जो आपने लास्ट में बोला कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन ये जब इच्छा आपकी प्रबल इच्छा या जिद के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उस ईश्वर को भी आना पड़ता है। बिल्कुल सिमिलरली दोस्तों, जब हम मोदी केयर में इच्छा मात्र करते हैं तो सपने पूरे नहीं होते, लेकिन जिस दिन ये हमारी इच्छा प्रबल इच्छा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, हमारी जिद के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो सारी कायनात को हमारे साथ में लगना पड़ता है हमारे सपने को पूरा करवाने के लिए। तो यस, अमेजिंग 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 ट्रेनिंग रही आज की, और मुझे पूरा यकीन है कि सभी साथियों ने इस ट्रेनिंग को नोट जरूर किया होगा, इसके की पॉइंट्स को जरूर अपनी डायरी के अंदर नोट किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं कुछ की पॉइंट्स को आपको जरूर रिपीट करवाना चाहूंगी। पहला पॉइंट जो निशा भाभी ने हमें बताया वो था इनसाइड आउट, यानी कि दुनिया अंदर से बाहर चलती है। जैसी हमारी मनस्थिति होगी बिल्कुल वैसी ही हमारी परिस्थिति होगी। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को अंदर से हमेशा पॉजिटिव रखना है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई, एसोसिएशन और एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा फर्क हमारे बिजनेस से पड़ता है। इसलिए एसोसिएशन किन की करनी है, सक्सेसफुल लोगों की एसोसिएशन करनी है। जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम लोग उठेंगे बैठेंगे बिल्कुल वैसी ही हमारी रंगत आने वाली है। तो अपनी एसोसिएशन को हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ में ही रखना है। तीसरी जो हमारे साथ में पॉइंट डिस्कस किया गया, चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। जी हाँ, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलने हैं, अपने पुराने अजम्पशन अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना है। उसके बाद दोस्तों अपने सोचने के तरीके के अंदर चेंज लेके आना है। मोदी केयर के अंदर पहले खुद ज्वाइन होना है एंड देन उसके बाद अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करनी है। एक एक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में निशा भाभी ने बहुत डिटेल में बताया है। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में बिजनेस करना है। बट यस, कंसिस्टेंसी विद स्लो स्पीड नहीं दोस्तों, फास्ट स्पीड के साथ में हम लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलरली डेली डेली इस बिजनेस को करना है। कंसिस्टेंसी प्लस स्पीड इज द की ऑफ सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज हमने ये सीखा और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट पे हम लोगों ने काम करना है, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसे सीखा जा सकता है। तो कैसे स्किल्स हम लोगों ने डेवलप करने हैं, इनविटेशन के स्किल, फॉलो अप के स्किल, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की डेमोंस्ट्रेशन के स्किल, ये सारे स्किल्स दोस्तों हम लोगों ने अपने अंदर ले लेने हैं, बिल्कुल सीख लेना है।
और फ्रेंड्स उसके बाद हमें बताया कि किस तरह से टीम वर्क के साथ में बिजनेस को बहुत आसान किया जा सकता है। अगर हम अकेले चलते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारी स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जब हमारे साथ में बहुत सारे स्किल वाले लोग आते हैं, अलग अलग नॉलेज वाले लोग आते हैं, एक प्रॉपर टीम बनती है, तो टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जी हाँ दोस्तों, टीम वर्क में बहुत बड़ी पावर होती है। एंड देन फॉलो द सिस्टम, जो आज का टॉपिक था, जो हाइलाइटेड टॉपिक है आज का। जी हाँ दोस्तों, एक एक सिस्टम को हमें फॉलो करना है, चाहे वो 1-2-4 हो, चाहे वो 3-1-3 हो, चाहे वो फैमिली ब्रेकफास्ट हो, चाहे दोस्तों टीम 25 हो, 10 का दम हो, इन्वेस्ट 25% इन योर बिजनेस हो। और दोस्तों सेम डुप्लीकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही अपनी टीम के अंदर भी हम लोगों ने डुप्लीकेट करवाना है। हमने फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करने, हमने लीडर्स क्रिएट करने हैं, अपने जैसे अपने लोगों को बनाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिजनेस ही लीडर्स क्रिएट करने का है। सबसे बड़ा पैसा भी मोदी केयर लीडर्स को प्रोड्यूस करने का पैसा देता है, LPB, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। तो डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, क्रिएट लीडर्स। एंड देन टेक ऑनरशिप, ये बिजनेस मेरा है, मोदी केयर मेरा है, कंपनी मेरी है, प्रोडक्ट्स मेरे हैं, तो प्यार मुझे अपने बिजनेस से करना होगा, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी मुझे खुद लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर नौकर नहीं हूं, मैं इस बिजनेस की मालिक हूं। इस तरह की मालिकाना सोच के साथ में दोस्तों हमने इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो डेफिनेटली हम सक्सेस को अचीव करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। और दोस्तों उसके बाद बहुत ही प्यारा टॉपिक है, लव व्हाट यू डू। हम मोदी केयर से प्यार करते हैं तो मोदी केयर की हर एक चीज हमारी है। जी हाँ दोस्तों, हमें अपने आप से प्यार करना है, अपने अप्लाइंस से प्यार करना है, अपनी टीम से प्यार करना है, अपने प्रोडक्ट से प्यार करना है। एंड यस दोस्तों, जिस भी चीज को आप प्यार देते हो, जहां पर भी आप अपना प्यार देते हो, वो चीज आपकी लाइफ के अंदर उतनी ही बढ़ जाती है। तो क्यों ना हम इस बिजनेस को प्यार करें, इसके प्रोडक्ट्स को प्यार करें, अपनी पूरी टीम को प्यार करें, सो दैट दोस्तों उनका भी प्यार हमें मिलता रहे। एंड लास्ट जो मेरा भी बहुत फेवरेट है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इन ऑल चैलेंजेस। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एक ऐसा शब्द जो कि सबसे बड़ा पावरफुल वर्ड है पूरे यूनिवर्स के अंदर। अगर हमारे पास दो आंखें हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर हमारे पास दो हाथ हैं, बी थैंकफुल फॉर दैट। अगर दोस्तों हमारे पास एक जबान है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बी थैंकफुल। हमारे पास माता पिता हैं, बी थैंकफुल। हर एक चीज जो हमारे पास है, हम सांस ले पा रहे हैं, बी थैंकफुल। और यस, हमारे पास मोदी केयर, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, जिसकी वजह से हम अपने सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं, इसीलिए बी थैंकफुल। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। और आज की इस अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी हम सभी की ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटोर, GBDD निशा हर्ष गुप्ता जी का। सो थैंक यू निशा भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की पूरी ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि कल का हमारा थर्सडे परिवर्तन सेशन रहेगा, अपनी पूरी टीम के साथ में आप उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। पूरी टीम के साथ ही नहीं दोस्तों, टीम 25 और आपकी टीम की भी टीम 25 के साथ में आप उसको अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कल के परिवर्तन सेशन में आने वाले हैं हमारे शानदार ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संजय साहू जी। तो दोस्तों अपनी पूरी टीम के साथ में कल के सेशन को अटेंड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच निशा भाभी, थैंक यू सो वेरी मच सुरेखा भार्गव मैम, एंड थैंक यू सो वेरी मच सिमी मैम मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो थैंक यू एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग। थैंक यू।